नमस्कार, मैं आकाश वर्मा अपने चैनल स्टडी बाय स्काई पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आइए मोटिव के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहले उससे एक मोटिवेशन और है, जिंदगी में आप जितनी बार हारे ये मायने नहीं रखते, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। तो जो लोग इस बार तैयारी अच्छा किए होंगे, पिछले एक साल अपने आपको कष्ट में डालने का मतलब ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना पढ़ाई के लिए, अगर दिए होंगे जरूर इस बार सफलता मिलेगी। ठीक है, और केवल जब आप पढ़ाई करते हो तो कहीं ना कहीं रास्ता खुल जाता है। मेरे जानने में एक लड़का था, उसका 2018 वाले सेशन में 8 जगह बता रहा था हो गई। ठीक है, तो ये जॉब लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, केवल कंटिन्यू पढ़ाई करना बहुत मायने रखता है। आप अगर पढ़ाई छोड़ देते हो तो दिक्कत हो जाती है, आप डेली कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन। कोई डीसी संट मोटर हल्के लोड पर चल रही है, फील्ड वाइंडिंग यदि खुल जाए तो क्या होगा? उस केस में क्या होगा? मोटर जल जाएगी, मोटर की स्पीड बहुत अधिक हो जाएगी, मोटर शोर करेगी, मिस हो जाएगी। अगर जो है फील्ड वाइंडिंग क्या हो जाता है, ओके, तो मोटर की स्पीड जो है बहुत अधिक हो जाएगी। मोटर की स्पीड क्या हो जाएगा? क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं मशीन की दक्षता में वृद्धि की जा सकती है, हानियां घटाकर, हानियां बढ़ाकर, हानियों को स्थिर रखकर, हानियों पर दक्षता पर हानियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हानियां कैन बी इंक्रीज्ड बाय रिड्यूसिंग लॉसेस, लॉसेस को कम करके क्या है, मशीन की एफिशिएंसी जो है बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, एफिशिएंसी जो है मशीन की बढ़ाई जा सकती है। किसी संट मोटर के सप्लाई टर्मिनलों को उल्टा कर दिया जाता है तो मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह डीसी जनरेटर की तरह चलेगी, यह उल्टी दिशा में चलने लगेगी, यह रुक जाएगी, यह जल जाएगी, यह रुक जाएगी, इट विल स्टॉप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मूलभूत वलय डीसी जनित 90 चक्र प्रति सेकंड से घूमता है तो प्रति सेकंड कितनी बार डीसी निर्गत विभव अधिकतम पर पहुंचता है? चक्रण कितना दिया है? 90 चक्र पर सेकेंड, और यहाँ पर लिखा प्रति सेकेंड डीसी निर्गत अधिकतम पहुंचेगा, ये हो जाएगा 2 × 90 180 चक्र पर सेकेंड। ऑप्शन बी सही। वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, यह जो क्वेश्चन है बचपन से भी पढ़, मतलब क्लास 8 10th में भी पढ़े हैं। ठीक है, डीसी मोटर वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता कहलाता है विद्युत धारा, दृष्ट धारा मोटर। एक धारा प्रवाहित कुंडली एक चुंबकीय क्षेत्र में अवस्थित है, बल का अनुभव करके नियम दिया जाता है, दृष्ट धारा मोटर, दृष्ट धारा उत्पादक, डायनेमो या प्रत्यावर्ती धारा उत्पादक। क्या होगा? डीसी जनरेटर। क्या होगा? सॉरी, डीसी मोटर। डीसी,
ऑप्शन ए सही होगा इसका, ऑप्शन ए जो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तरह डीसी शंट मोटर की गत नियंत्रण की शंटेड आर्मेचर नियंत्रण विधि कौन सी है? तो ये जो है लॉस, वेस्टफुल, एक्सपेंसिव, लेस एक्सपेंसिव मतलब कम खर्चीला, ठीक है, तीव्र परिवर्तनीय भारों हेतु उपयुक्त है, नो सुटेबल, ये है सुटेबल फॉर रैपिडली चेंजिंग मोड। डीसी शंट मोटर जो है रैपिडली लोड जो अगर चेंज हो रहा है तो वहां पे उस डीसी शंट मोटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डीसी मोटर का स्टार्टर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, स्टार डेल्टा। ठीक है, स्टार डेल्टा स्टार्टर जो है डीसी मोटर में यूज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 230 वोल्ट डीसी सीरीज मोटर 230 वोल्ट एसी सप्लाई लगे तब वो सुचारू रूप से चलेगी, रुक जाएगी, जल जाएगी, कम क्षमता और अधिक स्पार्क के साथ चलेगी, चलेगी लेकिन स्पार्किंग होगा। ठीक है, मतलब डीसी मोटर है और उसको एसी सप्लाई से जोड़ा जाएगा, कम एफिशिएंसी के साथ में, स्पार्किंग के साथ में चले। ठीक है, डीसी सीरीज मोटर को किस में लगाना चाहिए? सर्व लोड के साथ स्टार्ट करना चाहिए, सर्व स्पीड स्थिर स्पीड से चलती है, उच्च स्टार्टिंग टार्क बलागों के लिए उपयुक्त नहीं है, प्रचंड स्पीड से चलेगी या फिर ओपन हो जाए। सदैव लोड से स्टार्ट करना चाहिए डीसी सीरीज मोटर के साथ, ये उसका बहुत ही स्पेशल गुण है। ठीक है, डीसी सीरीज मोटर को हमेशा लोड के साथ स्टार्ट करना चाहिए, ये ध्यान रखने वाली बात है। डीसी सीरीज मोटर का आर्मेचर करंट होता है, यह हुआ है उसका फार्मूला पूछ रहा है क्या होता है। तो इसका फार्मूला होगा आपका आई वी प्लस ई वी अपॉन में आ गया। डीसी मोटर का फर्स्ट ईएमएफ निम्नलिखित पर निर्भर करता है, इस पे फील्ड फ्लक्स, इस पे निर्भर करता है फील्ड फ्लक्स, फील्ड फ्लक्स। ठीक है, संयुक्त पर डीसी मोटर के घूर्णन की दिशा निम्नलिखित को आपस में अदला बदली करके प्रभावी तो ढंग से उल्टी जा सकती है। करा लाइन लोड, श्रेणी फील्ड कनेक्शन, आर्मेचर कनेक्शन, शंट फील्ड कनेक्शन, तो ये आर्मेचर कनेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। पिस्टकारी मोटर में स्टार्टर का उद्देश्य क्या है? देखिए, अगर मान लीजिए स्टार्टर के सामने मतलब ये प्रवर्तक के बगल में ब्रैकेट में स्टार्टर न लिखा होता तो समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए टेक्निकल में इंग्लिश सेंटेंस जाना, इंग्लिश वर्ड मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, करें मोटर को अतिभार ओवरलोड से सुरक्षित करना, बैक ईएमएफ बढ़ाना, स्टार्टिंग टार्क बढ़ाना, प्रारंभिक धारा को नियंत्रित करना, ये जो होगा आपका प्रारंभिक धारा को नियंत्रित करना। ठीक है, मतलब स्टार्टर लगाने का क्या उद्देश्य है? तो इनिशियल करंट को नियंत्रित करना, प्रारंभिक धारा को नियंत्रित। यदि डीसी सीरीज मोटर का
शून्य भार नो लोड प्रारंभ हो जाती है तो स्टार्ट होने में ज़्यादा समय लेगी, बहुत गर्म हो जाएगी, वह नहीं चलेगी, खतरनाक गति ले लेगी। उत्तर तो है, यदि डीसी सीरीज मोटर का शून्य भार नो लोड पर प्रारंभ किया जाता है, तो अभी मैं इसके पहले वाले में ही बताया कि डीसी सीरीज मोटर को हमेशा जो है लोड के साथ ही चलाना है, ठीक है। तो ये है खतरनाक लोड पड़ेगी, ऑप्शन डी से। द टार्क ऑफ द डीसी मोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, टार्क जो है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो फील्ड फ्लक्स एंड आर्मेचर करंट, किसके फील्ड फ्लक्स एंड आर्मेचर करंट। ठीक है, दृष्टधारी मोटर के घूमने की दिशा का परिवर्तन कैसे किया जा सकता है? ठीक है, अगर कोई डीसी मोटर है और उसका घूर्णन की दिशा को परिवर्तित करना है कैसे किया जा सकता है? आर्मेचर धारा या क्षेत्र धारा की दिशा को बदलने से। कैसे होगा? आर्मेचर धारा या क्षेत्र धारा के दिशा बदलने से। ठीक है, स्टेटर के सिरा प्लेटों की संख्या होती है, कितनी होती है? दो। स्टेटर में सिरा प्लेटों की संख्या कितना होती है? सिरा कितनी होती है? दो। डीसी मोटर में ब्रशों से अत्यधिक तनाव होने का कारण है, कौन सा कारण है? मशीन की गति कम हो जाएगी, टर्मिनल वोल्टता कम हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टता बढ़ जाएगा, कम्यूटेटर गर्म होकर परतें घिस जाएगी। ये होगा, कम्यूटेटर गर्म होकर परतें घिस जाएगी, ऑप्शन डी सही होगा। मोटर की रेटिंग किसमें की जाती है? ठीक है, ये है बीएचपी में, बोलते हैं जनरली लोग गांव में बोलते हैं हाथ पावर, जबकि वो होता है हार्स पावर। ठीक है, एक हार्स पावर में कितना वाट होता है ये लोग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और दूसरा जो ट्रांसफार्मर का, ट्रांसफार्मर को किस में किस रेटिंग में मतलब प्रेजेंट किया जाता है? ठीक है, जैसे मोटर को एचपी में, ठीक है, उस तरीके से ट्रांसफार्मर को किस में किया जाता है ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। डीसी सीरीज मोटरों के उनके अनुप्रयोगों के साथ सीरीज मोटर कहाँ प्रयोग किया जाता है इस तरह का? तो देखिए, जो सीरीज मोटर है ट्रैक्शन वर्क के लिए प्रयोग किया जाता है, ट्रैक्शन वर्क के लिए सीरीज मोटर प्रयोग किया जाता है। और शंट मोटर जो है मोटर जनरेटर सेट के लिए प्रयोग किया जाता है। और कंपाउंड मोटर जो है एलिवेटर के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर बूस्टर के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा सही, ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। एक डीसी मोटर सदैव एक स्टार्टर की सहायता से चलाया जाता है, क्योंकि करा एक डीसी मोटर स्टार्टर की सहायता से चलाया जाता है। आर्मेचर बाइंडिंग में उच्च प्रतिरोध होता है, आर्मेचर बाइंडिंग में निम्न प्रतिरोध होता है, क्षेत्र बाइंडिंग में उच्च प्रतिरोध होता है, क्षेत्र बाइंडिंग में निम्न प्रतिरोध होता है। तो आर्मेचर बाइंडिंग में निम्न प्रतिरोध होता है, ठीक है, इसलिए हमेशा एक स्टार्टर लगाया जाता है डीसी मोटर चलाने के लिए। ठीक है, डीसी मोटर चलाने के लिए एक स्टार्टर
लगाया जाता है। डीसी सीरीज मोटर वहां प्रयुक्त होते हैं जहां पे बल्ब आघूर्ण वांछित हो, उच्च या निम्न या मध्यम। देखिए उच्च सीरीज मोटर जो है हाई बल आघूर्ण के लिए, जहाँ मतलब जरूरत हो वहां पे प्रयोग किया जाता है, ये डीएमआरसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। डीसी सीरीज मोटर का कोणीय वेग ओमेगा रेडियंस पर सेकेंड है, मोटर की चाल आरपीएम में होगी। ये होगा आपका 60 ओमेगा 1/2 बाय। निम्नलिखित में से कौन सी डीसी मोटर की गति नियंत्रक प्रक्रिया नहीं है? फील्ड डिवेटर, फील्ड कंट्रोल, वोल्टेज कंट्रोल, सीरीज पैरेलल कंट्रोल। तो इसका होगा आपका फील्ड कंट्रोल। क्या होगा? फील्ड कंट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर परिवहन वाहनों में सामान्य तो प्रयोग होने वाली मोटर है, परिवहन वाहनों में सामान्यतः प्रयोग होने वाली मोटर है। देखिए बस थोड़ा सा घुमा दिया है, ज्यादातर ये पूछता है कि ट्रेन में कौन सा मोटर प्रयोग किया जाता है, तो वहां पे क्या यूनिवर्सल मोटर यूज किया जाता है, और यहाँ पे डीसी सीरीज मोटर। परिवहन वाहनों में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाला डीसी सीरीज मोटर रट लीजिए एकदम। ठीक है, डीसी सीरीज मोटर के साथ प्रयुक्त स्टार्टर का कार्य है, स्टार्टर का कार्य स्टार्टिंग करंट को सीमित करना है, टू लिमिट द स्टार्टिंग टॉर्क, टू लिमिट द स्टार्टिंग करंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डीसी मोटर में स्टार्टिंग के समय बैक ईएमएफ होता है, बैक ईएमएफ होता है। कह रहा है सुन अप्लाइड ईएमएफ, अप्लाइड ईएमएफ से अधिक मैक्सिमम। क्या होगा? जीरो। क्या होगा? जीरो। ठीक है, 5 HP तक डीसी मोटर में सामान्यतः होते हैं, 4 पोल, दो पोल, 4 पोल, 6 पोल, 8 पोल। क्या होते हैं? 2 पोल। ठीक है, 2 पोल। इसमें से क्या एक आवश्यक रूप से डीसी मोटर का एसी मोटर की तुलना में लाभ नहीं है? ठीक है, कम कीमत, गति की बड़ी रेंज, स्थायित्व, उच्च प्रारंभिक आघूर्ण। कम कीमत। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करें नो लोड पर सीरीज मोटर की चाल स्पीड कितनी आरपीएम होगी? ये इन्फिनिटी हो जाएगा, अनंत। ठीक है, अगर लोड नहीं लगाएंगे और सीरीज मोटर चालू कर देंगे तो इसकी स्पीड जो है इन्फिनिटी हो जाएगी, इनफाइनाइट। डीसी मोटर की गति को नियंत्रित करने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? स्पीड को कंट्रोल करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? थर्मिस्टर, ट्रांजिस्टर और थेरोट्रॉन थायरिस्टर। किसका प्रयोग किया जाता है? थायरिस्टर, याद कर लीजिएगा, थायरिस्टर है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, थायरिस्टर, से स्पीड कंट्रोल किया जाता है। किसके अनुप्रयोग में डीसी शंट मोटर का प्रयोग किया जाता है? डीसी शंट मोटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? मशीन एंड टूल ड्राइव्स, मशीन टूल ड्राइव के लिए डीसी शंट मोटर प्रयोग किया जाता है।
डीसी शंट मोटर के घूर्णन की दिशा में कौन सा अंतर विनिमय करके पलटा जा सकता है? आपूर्ति टर्मिनल, क्षेत्रीय टर्मिनल, केवल आर्मेचर के टर्मिनल, क्षेत्रीय आर्मेचर टर्मिनल, कौन सा किया जा सकता है? फील्ड या आर्मेचर टर्मिनल में से कोई भी, ठीक है, फील्ड या आर्मेचर से कोई। डीसी शंट मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे बदला जा सकता है? फील्ड या आर्मेचर दोनों में से कोई एक, यानी करके डीसी शंट मोटर में चाल होती है, आर्मेचर धारा के अनाश्रित, आर्मेचर धारा के समानुपाती, आर्मेचर धारा के वर्ग के अनुपाती, आर्मेचर धारा के विद्युत समानुपाती। ऑप्शन डी सही है। डीसी शंट मोटर में चाल होती है आर्मेचर के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, आर्मेचर के व्युत्क्रमानुपाती। मशीन औजारों के लिए निम्नलिखित में से किस डीसी मोटर का प्राथमिकता दिया जाएगा? मशीन औजारों के लिए अभी एक क्वेश्चन आया था, वो थोड़ा सा मतलब माया है, बस सेम क्वेश्चन ही है। संट मोटर, संट मोटर, ठीक है। अगर जैसे बस या कोई परिवहन की बात आती है तो वहां पे डीसी सीरीज मोटर यूज किया जाएगा। अब मशीन टूल के लिए डीसी शंट मोटर याद रखिएगा, ठीक है। डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए किस स्टार्टर की आवश्यकता होगी? मोटर की चाल को सीमित करता है, मोटर के स्टार्ट को स्टार्ट करता है, स्टार्टिंग धारा को सुरक्षित मान के भीतर रखता है, मतलब करंट को कंट्रोल करता है। तो क्यों प्रयोग किया जाता है? करंट को कंट्रोल रख, इट लिमिट्स द स्टार्टिंग करंट का सेफ वैल्यू। डीसी करंट मोटर में एक समान गति संभव है, इसलिए उसका प्रयोग जो है किसमें किया जाता है? लेथ मशीन। किसमें किया जाता है? लेथ मशीन। लेथ मशीन बड़े बड़े फैक्ट्रियों में यूज किया जाता है, ठीक है, लेथ मशीन, क्योंकि डीसी शंट मोटर का स्पीड जो है एक समान रहता है, इसलिए इसको लेथ मशीन में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कम्यूटेटर मोटर टाइप एनर्जी मीटर में सामान्यतः प्रेशर क्वायल और तार धारा क्वाइल किससे बनाता है? मतलब जो प्रेशर क्वाइल होगा वो पतले, ठीक है, और धारा क्वाइल जो होगा मोटे से बना होगा। ऑप्शन बी सही। डीसी मोटर में यदि स्टार्टिंग में प्रतिरोध लघुपथ हो जाए, मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो क्या होगा? लाइन वोल्टेज चेक कर लेना चाहिए, वोल्टेज को कम करना चाहिए। ओम मीटर में इसकी आवश्यक जांच करें, अगर जरूरत हो बदल दें। ओम ओवरलोड को चेक करें, तो क्या होगा इसमें? टेस्ट इट विथ ओम मीटर एंड चेंज द रेजिस्टेंस इफ नेसेसरी। रेजिस्टेंस को चेंज करें अगर जरूरत हो तो। डीसी कंपाउंड मोटर में मुख्य चुंबकीय फ्लक्स पैदा करने हेतु, ठीक है, संट फील्ड फ्लक्स, सीरीज फील्ड फ्लक्स, संट फील्ड सीरीज दोनों, न ही संट न ही सीरीज, तो इसका जो है आंसर है आपका सी। सी सही है, ठीक है, संट एवं सीरीज फ्लक्स दोनों। संट मोटर को स्पेस डीआई के द्वारा चालू किया जा सकता है, 2 पॉइंट स्टार्टर, 3, 4 और 3 या 4। इसका आंसर है 3 एंड 4 पॉइंट स्टार्टर दोनों से, 3 3 पॉइंट एंड 4 पॉइंट स्टार्टर, ठीक है। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए।
और दोस्तों के साथ शेयर करें।